हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं कई सारी मूवीज और सीरीज के अपडेट के बारे में, जिसमें प्लैनेट ऑफ द एप, रेसिडेंट इविल, एलियन और मार्वल और डीसी के भी अपडेट है, जो कि हर बार के अपडेट के वीडियो में रहते ही है। इसलिए अब आपके टाइम को बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए चलिए उन सभी अपडेट की बात करते हैं। जिससे पहले बनेगी मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट, जो की है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, तो सबसे पहले अपडेट की शुरुआत डीसी के आए हुए अपडेट से करते हैं। जो अपडेट आयर कट यानी कि उनकी डायरेक्ट की गई सुसाइड स्क्वाड फिल्म से रिलेटेड है, जिस पर अपडेट हर बार की तरह आरटी कट्स वाले ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया जाता है, जिस पर ज्यादातर तो फैंस का मानना यही है कि ये अकाउंट डेविड आयर का ही है, क्योंकि इस पर इस फिल्म से रिलेटेड काफी एक्सक्लूसिव डिटेल निकल कर आती है, जिसमें ज्यादातर तो जारेड लीटो के जोकर को ही प्रेजेंट किया जाता है कि उनका विजन इस कैरेक्टर को किस तरीके से प्रेजेंट करने का था। बाकी इंस्टाग्राम के पर्सनल अकाउंट पर मैंने उसकी क्लिप भी डाली थी, जो वर्जन जारेड लीटो के जोकर को बहुत ही ज्यादा डिफरेंट बनाता है। तो फिलहाल तो उस अकाउंट से बार बार डिस्कवरी को टैग कर इस फिल्म को रिलीज करने की मांग की जा रही है, जिनमें से एक ट्वीट इस बात की कंफर्मेशन देता है कि डेविड आयर के कट को पूरी तरीके से रेडी कर दिया गया है, बस वेट है इसके ऑफिशियल रिलीज का, जिस पर अब तक वार्नर ब्रदर्स की कोई भी कंफर्मेशन निकल कर नहीं आई है, न ही डिस्कवरी वालों की, कि असल में वो इस फिल्म के साथ में करना क्या चाहते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो डेविड आयर ने ही शायद इस फिल्म को पूरी तरीके से एडिट कर रेडी कर दिया है, यानी कि डिस्कवरी उनकी इस बात को सुनकर फैंस को वो दे दे जिसका वो लोग बहुत ही बेसब्री से वेट कर रहे हैं। और इंस्टाग्राम के उसी अकाउंट के इस पोस्ट पर आए तो इस पोस्ट में हम नीचे के कैप्शन में लिखे गए वर्ड्स को भी बहुत ही अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि जारेड लीटो का जोकर यहाँ पर हार्ली क्विन से बात करते हुए यही समझा रहा है कि वो इन सब में इंचेंट्रेस की मदद ले रहा था, जिस पर अब ज्यादा डिटेल तो मेरे पास नहीं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन बस इतनी सी ही है, जिसका पता तो इसके पे ऑफ यानी कि फिल्म के रिलीज होने के बाद ही चलेगा। जिस डिमांड को डिस्कवरी वाले सुनते भी है या नहीं, वो देखना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। जिसके बाद आ जाए एमसीयू के अपडेट पर, तो ये अपडेट मार्क हैमिल के इस फैन आर्ट से रिलेटेड है, जो कि ऑब्वियसली गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी हॉलीडे स्पेशल की हिंट देती है। और इस पोस्ट को यानी कि फैन आर्ट को जेम्स गन और मार्क हैमिल दोनों ने ही लाइक किया है, और यहीं से फैंस ने अपना दिमाग चलाना शुरू कर लिया है कि डिज्नी प्लस पर आने वाली इस हॉलीडे स्पेशल फिल्म में उन्हें मार्क हैमिल सेंटा क्लॉज का रोल प्ले करते हुए नजर आने वाले है, क्योंकि एक ट्वीट में उन्होंने मेंशन एक नए कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करवाने का भी किया है। बाकी अगर एमसीयू की कॉमिक बुक की बात करें तो कॉमिक बुक में भी सेंटा क्लॉज का कैरेक्टर है, जिसने शी हल्क के साथ टीम अप कर डिटेक्टिव के जॉब को संभाला था, क्योंकि सेंटा क्लॉज के पास स्किल्स सबसे ज्यादा शरारतियों को पकड़ने का है। और यही नहीं, एक्समैन की कॉमिक बुक की सीरीज में सेंटा क्लॉज ने म्यूटेंट्स की ब्रदरहुड की टीम को भी डिफीट किया था, उन सभी की मेमोरीज को इरेज के साथ साथ उन्हें टॉयज में कन्वर्ट कर ताकि सेंटा क्लॉज का चैप्टर उन सभी के दिमाग से निकल जाए। लेकिन अब देखना तो इंटरेस्टिंग यही रहेगा कि जेम्स गन जो बात अपने फैंस से कह रहे हैं इस फिल्म से रिलेटेड, कि वो बहुत कुछ डिफरेंट ट्राई करने वाले हैं इससे, जो उनके फैंस को काफी ज्यादा पसंद आएगा, इस बात में कितना दम है। बाकी अब हॉलीडे स्पेशल की बात हो ही रही है तो थॉर लव एंड थंडर के रिलीज हुए थॉर के इस नए कॉस्ट्यूम पर नजर डाल लेते हैं, जो फिगर एक्चुअल में क्रिसमस ऑर्नमेंट का है, जिसे यहाँ क्रिसमस के टाइम पर क्रिसमस ट्री पर लगाकर उसे डेकोरेट किया जाता है। लेकिन यहाँ पर थॉर के सूट में हम उसे हेलमेट के साथ भी देखते हैं, जैसे कॉन्सेप्ट को हमने इसकी कॉन्सेप्ट पार्ट में भी देखा है, यानी कहीं ना कहीं ये चीज सच में रियल होने वाली है, जिसका पता अगेन इस फिल्म के ट्रेलर के आने के बाद ही चलेगा, जिसके लिए मार्वल फैंस बहुत ही ज्यादा तरस रहे हैं। बाकी थॉर को लेकर ऐसा ही सस्पेंस हॉलीडे स्पेशल को लेकर भी बना हुआ है, जिसमें अगर थॉर का अपीयरेंस होता है तो डेफिनेटली फैंस काफी ज्यादा खुश होंगे, क्योंकि अगर देखा जाए तो थॉर लव एंड थंडर फिल्म में हम गार्डियंस की टीम को देखने वाले हैं, जिन्हें थॉर गुड बाय कर अपने मिशन पर निकल जाएगा। लेकिन मीटअप भी हो, खास करके इसी फिल्म में, वो भी अपनी मुश्किलों को खत्म करने के बाद, तो जैसे कि मैंने कहा फैंस इससे बहुत ही ज्यादा खुश होंगे। और अब इससे हटकर एमसीयू के एक और अपडेट यानी कि डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस पर आए तो इस फिल्म को लेकर इसके रनिंग टाइम की रिपोर्टिंग की जा रही है, जो रनिंग टाइम कई सोर्सेज की तरफ से इस फिल्म को 2 घंटे 28 मिनट के बता रहे हैं, यानी कि इस फिल्म की लेंथ स्पाइडरमैन नो वे होम फिल्म की ही तरह अच्छी खासी है, लेकिन एक क्वेश्चन के साथ, जो कि इस फिल्म के कैमियो के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि इस फिल्म में रूमर के अकॉर्डिंग कई सारे कैमियोज है, और अगर इतने सारे कैमियोज को इतने कम समय में दिखाने की कोशिश की जाएगी तो फिर ये फिल्म अपना बैलेंस किस तरीके से बनाएगी। जबकि अगर देखा जाए तो काफी स्ट्रॉन्ग रूमर वांडा के इल्यूमिनाटी की टीम को मारने का भी है, जिस सीक्वेंस को 5 से 10 मिनट में कंप्लीट किया जा सकता है, और अगर उसमें 4 से 6 कैरेक्टर्स का कैमियो दिखाया जाएगा तो उनका चैप्टर उतने ही मिनट में खत्म भी हो जाएगा, क्योंकि मल्टीवर्स के खेल में वेरिएंट्स की कमी नहीं है।
और अब इससे हटकर फिर से एमसीयू की एक और अपडेट पर बात करें तो ये अपडेट मार्शल एली की ब्लेड फिल्म से रिलेटेड है, जिस पर ग्रेस की कहीं ना कहीं एक हिसाब से कंफर्मेशन ही की जा रही है कि ये फिल्म हमें डिफरेंट टाइम पीरियड के साथ साथ प्रेजेंट की टाइमलाइन भी बताने वाली है, यानी कि इटर्नल्स फिल्म के उस एंड का सीन जहां पर ब्लेड ब्लैक नाइट से मिलने के लिए आता है, जिसकी सिर्फ आवाज ही सुनाई दी थी, जो ब्लैक नाइट को स्वॉर्ड को एक बार हाथ में लेने से पहले सोचने के लिए कहता है। जिसकी हिस्ट्री अब ग्रेस पर आ जाए तो उनके अकॉर्डिंग 1920 से लेकर 1930 के टाइम पीरियड को दिखाएगी, जिस टाइम पीरियड में हो सकता है कि ब्लेड की ओरिजिन को सेट किया जाए, क्योंकि आफ्टर ऑल वो एक वैम्पायर हंटर है, और अगर उसकी ओरिजिन को इतनी प्रॉपर तरीके से बनाकर हमारे सामने प्रेजेंट किया जाएगा तो फैंस भी उससे बहुत ही ज्यादा खुश होंगे, जो कि इस हिसाब से इस फिल्म की टाइमलाइन को कैप्टन अमेरिका दी फर्स्ट एवेंजर्स की टाइमलाइन से भी पहले जाकर रख देती है, जिस एमसीयू के यूनिवर्स में अब डार्क यूनिवर्स की शुरुआत एमसीयू की टाइमलाइन से पहले शुरू हुई होगी, अगर ग्रेस के अकॉर्डिंग ये रूमर सच है तो ही। और इससे हटकर आते हैं डेडलाइन वालों की रिपोर्ट पर, जिनकी रिपोर्ट में कंफर्मेशन की जा ही है फैंस की मच अवेटेड प्रोजेक्ट की, जो प्रोजेक्ट नोवा से रिलेटेड है, बट अनफॉर्चुनेट इस प्रोजेक्ट को एज अ सीरीज पिक किया गया है मूवी के लिए बिल्कुल भी नहीं, जिसमें डेडलाइन वाले राइटर शबीर पीरजादा के भी कंफर्मेशन दे रहे हैं। और यही नहीं, इसी के साथ साथ ये कंफर्मेशन भी कर दी गई है अगेन डेडलाइन वालों की ही तरफ से कि ये एक लिमिटेड सीरीज रहेगी, ठीक वांडा विजन की सीरीज की तरह, यानी कि इसका सीजन 1 ही आएगा, जिसकी शायद से बाकी की कंटिन्यूएशन इस कैरेक्टर को लेकर फ्यूचर में एमसीयू की फिल्मों की रहेगी। और बात करें एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया फिल्म के कंफर्म किए गए एक्टर के नहीं आने की, तो ये नाम डेविड डैशमेल चैन का है, जो एंटमैन के इस यूनिवर्स में कोल्ड के कैरेक्टर का रोल प्ले करते हैं, और उन्होंने स्क्रीन रैंट के इंटरव्यू में ये बात कंफर्म कर दी है कि उन्हें इस फिल्म के पार्ट का हिस्सा नहीं बनाया गया। जिनसे हटकर अब CW की अपडेट पर बात करते हैं, जिसमें रिवरडेल की सीरीज के 7th सीजन को रिन्यूड किया गया है, जो आगे भी अपनी कंटिन्यूएशन कई सारे एपिसोड्स के साथ साथ कंटिन्यू रखेगा, और ऐसी ही कंटिन्यूएशन सुपरमैन एंड लुइस के सीजन 3 को मिली है, जो कि दोनों ही सीजन तक काफी अच्छा चल रहा है, और जो फ्लैश का शो है खत्म होने का कभी नाम नहीं लेता, उसके भी 9th सीजन को रिन्यू कर दिया गया है, जिसमें मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूं। इसके अलावा CW वाले गॉथम नाइट की सीरीज भी डेवलप कर रहे हैं, जिस अपडेट को मैंने अपने शॉर्ट चैनल पर कवर किया था, और अब सीधे टॉपिक पर आते हैं, जिसमें अब माशा कॉलिन को भी कास्ट किया गया है, वो भी हार्वी डेंट यानी कि टू फेस के कैरेक्टर के रोल में। बाकी सीरीज कितनी इंप्रेसिव रहती है उसका पता तो आने वाले दिनों में ही चलेगा, उसके पहले बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद आ जाए हॉलीवुड रिपोर्टर वालों की कवर की गई एक लाइव एडेप्टेशन फिल्म की, जिसे डायरेक्ट करने की जिम्मेदारी रोशन मार्शल को दी गई है, और ये प्रोजेक्ट असल में वोल्ट्रॉन का है, जिसे मैंने इतना ज्यादा तो नहीं देखा है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आइडिया जो इसे देखकर आपको और मुझे समझ आता है वो पावर रेंजर और ट्रांसफॉर्मर से ही मिला जुला कर बनाया गया है, जिसमें अब फिल्म का टेक इतना ज्यादा डिफरेंट होता है उस पर फिलहाल तो सस्पेंस बना हुआ है। और अब बात करें टीन वुल्फ की सीरीज की फिल्म की अडेप्टेशन की, जिसके प्रोडक्शन को ऑलरेडी शुरू कर दिया गया है, तो इस प्रोजेक्ट के साथ टायलर हियो चिलिन को भी रिटर्न लाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें अब तक उनकी तरफ से हाँ नहीं की गई है, लेकिन लगता है कि वो जल्द ही मान जाएंगे इस फिल्म का हिस्सा बनने के लिए। बाकी हुलू पर आई हुई सीरीज ओनली मर्डर इन द बिल्डिंग के सीजन 2 की ऑफिशियल रिलीज डेट की बात करें तो ये रिलीज डेट इसी साल 28 जून की है। और फिर अगले प्रोजेक्ट की बात करें तो यूट्यूब पर एक सॉन्ग बेबी शार्क का आपने भी सुना होगा, जिस पर अभी एक फिल्म का काम चल रहा है, और इस फिल्म को साल 2023 के रिलीज के लिए सेट किया गया है। बाकी प्रोजेक्ट कैसा रहता है और ये एनिमेटेड है भी या नहीं, उसकी कंफर्मेशन निकल कर नहीं आई है। जिससे हटकर अब आते हैं गीमा चेन पर, जो कि एक बायोपिक पर काम कर रही है, और ये बायोपिक अमेरिकन एक्ट्रेस एनामे वोंग की है, जिस प्रोजेक्ट को वो प्रोड्यूस भी करेगी। उसके बाद बात करें नेटफ्लिक्स की तरफ से कैंसिल की गई एक और सीरीज की, तो अब इस लिस्ट में नाम आर्चिव 81 का जुड़ गया है, जिसके सीजन 1 के बाद सीजन 2 नहीं आएगा, जिसे लेकर हो सकता है कि ज्यादातर लोग थोड़ा अपसेट हो, क्योंकि इसकी एंडिंग काफी मिस्ट्री से भरी पड़ी है। बट पर्सनली कहूँ तो मुझे ये शो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, और अच्छा ही हुआ कि इसके सीजन 1 के बाद सीजन 2 को परमिशन नहीं दी गई। और अब बात करें मिशन इम्पॉसिबल के यूनिवर्स की सीरीज की, तो ऐसा कोई भी प्लान जिसे पैरामाउंट वालों ने सजा कर रखा था, टॉम क्रूज ने पूरी तरीके से तोड़ दिया है, और वो नहीं चाहते कि मिशन इम्पॉसिबल के यूनिवर्स पर फिलहाल तो कोई सीरीज बनाई जाए, क्योंकि ऑलरेडी इस पर अच्छी खासी फिल्म चल रही है, और मैं क्या कोई भी फैंस इसकी जल्द ही स्पिन ऑफ की सीरीज देखना नहीं चाहेगा, खास करके तब जब मेन स्टोरी को प्रॉपर एंड ना मिले तो। और अब नेटफ्लिक्स की बात हो ही रही है, तो नेटफ्लिक्स पर आने वाली सीरीज रेसिडेंट इविल की ऑफिशियल रिलीज डेट की भी बात कर लेते हैं, जिस सीरीज को इसी साल 14 जुलाई से रिलीज कर दिया जाएगा। बाकी कंटेंट क्या है और स्टोरी में हमें क्या देखने मिलेगा, उसकी डिटेल पर तो इसके टीजर के आने के बाद ही बात करनी चाहिए, जिसके पहले सीजन में हमें टोटल 8 एपिसोड देखने मिलने वाले हैं, वो भी अच्छी खासी लेंथ के। बाकी कहानी सेट वायरस के स्प्रेड होने के 14 साल बाद की है, और जैसे कि मैंने कहा बाकी डिटेल्स पर बात
इसके टीजर या फिर ट्रेलर रिलीज होने की बात करेंगे, जिससे हटकर अब आ जाते हैं प्लैनेट ऑफ द एप के यूनिवर्स पर, जो कि अब डिज्नी के अंडर आता है। तो इसे लेकर डेडलाइन वालों की रिपोर्ट यही कह रही है कि इसकी स्क्रिप्ट पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है और डायरेक्टर वेस बॉल इसके प्रोडक्शन को इसी साल तक शुरू करने की कंफर्मेशन दे रहे हैं। जिस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये फिल्म साल 2023 के एंड तक बनकर रेडी हो जाएगी, बट रिलीज कब होगी वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और ये भी कि अब प्लैनेट ऑफ द एप के इस यूनिवर्स को डिज्नी किस तरीके से हैंडल करता है। और अब आ जाए आखिरी अपडेट पर, तो नई प्रीडिएटर फिल्म को हुलू पर रिलीज करने की अपडेट के बाद फैंस जिस तरीके से डिसअपॉइंट हुए थे, अब वैसी ही डिसअपॉइंटमेंट एलियन के रिबूट वर्जन पर फैंस को मिल चुकी है, क्योंकि ऐसे रिबूट पर काम फेट अल्वेजार ने किया है, जिसका कोई भी कनेक्शन 1979 की एलियन फिल्म से बिल्कुल भी नहीं। यानी कि इस यूनिवर्स को फेट ने अपने हिसाब से सेट किया है, जिसकी जगह थिएटर नहीं बल्कि अगेन कहूंगा प्रीडिएटर की ही तरह हुलू की रिलीज के लिए सेट कर दिया गया है। लेकिन रिलीज डेट पर अब तक कन्फर्मेशन नहीं निकल कर आई है और ना ही इस प्रोजेक्ट की कहानी से रिलेटेड, लेकिन ये बात तो तय है कि प्रोजेक्ट इतना भी ज्यादा खास नहीं रहेगा, इसलिए डिज्नी वालों ने इस फिल्म को सेलेक्ट हुलू पे रिलीज करने के लिए किया है। खैर, तो ये थे सारे के सारे हॉलीवुड मूवीज और कुछ सीरीज के अपडेट, जिस बारे में अब आपकी राय मुझे कमेंट में चाहिए, क्योंकि अपडेट खत्म हो चुकी है और ये वीडियो भी। बाकी मैं हूँ अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी अब मैं मिलता हूँ जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को भी एंजॉय कीजिए। टिल देन, बाय।